कोरोना की चौथी लहर मजीद 98 जिंदगियां निकल गई। अब तक 26,330 अमवात, 24 घंटे में 3,316 नए मरीज, 11,86,234 शहरी मुतासर, मुस्बत केसेस की 84.33% रिकॉर्ड। झपटना पलटना पलटकर झपटना, पाक फिजाइया का तुरा इम्तियाज। जंगे सितंबर पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन को नाको चने चबवाए। वतनी अजीज के जाबाज शाहीनों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए कौम आज यौम फिजाइया मना रही है। दस्तावेजी फिल्म भी जारी। कराची में पायलट राशिद मिन्हाज शहीद को खिराज अकीदत पेश करने की तकरीर, एयरफोर्स के चाक चौबान दस्ते की सलामी। पाक फजाया हर किस्म की जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है, एयर वाइस मार्शल जईम अफसर। यह हकीकत भी सब पर रोजे रोशन की तरह आया होनी चाहिए कि इस अर्ज पाक पर किसी पुरतशद्दद रवैये या इंतहा पसंदी की अब मजीद कोई गुंजाइश नहीं। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रियासत का इख्तियार है। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अलावा किसी फर्द या ग्रोह को असले की नुमाइश और इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। किसी शख्स को भी या ग्रोह को इलाकाइत, लसानियत, नजरिए और मजहब की बुनियाद पर रियासत को ब्लैक मेल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अर्ज पाक पर किसी पुरतशद्दुद रवैये की गुंजाइश नहीं। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का इख्तियार। किसी शख्स या गिरोह को इलाकाइत, लिसानियत, नजरिए या मजहब की बुनियाद पर मुल्क को ब्लैकमेल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जमहूरियत में बका है अना और जाती मफाद को पसे पुश डालना होगा। आर्मी चीफ का यौम दिफा की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुस्तहकम और तमाम फरीकैन की नुमाइंदा हुकूमत का ख्वाहिशमंद। तवक्को है पड़ोसी मुल्क की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, आर्मी चीफ। भारत का 5 अगस्त का इकदाम मुस्तरद, सिपह सलार का कश्मीरियों की सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने का आज़्म। तालिबान की पंजशेर में फहीम दश्ती के कत्ल में मुलविस होने की तरदीद। काबुल का कंट्रोल इतनी जल्दी हासिल करने की तवक्को नहीं थी। हुकूमत बनाने के लिए तैयार भी नहीं थे, इसलिए देर हो रही है। नई हुकूमत की तश्कील के बाद शहरियों को एहतजाज का हक भी होगा। तर्जुमान तालिबान जबीउल्ला मुजाहिद। चार अमरीकी शहरियों ने जमीनी रास्ते से अफगानिस्तान छोड़ दिया। तालिबान ने अमरीकियों का रास्ता नहीं रोका, रवानगी से आगाह भी थे, अमरीकी महकमा खारिजा। काबुल में यूनिवर्सिटीज दोबारा खुल गईं। क्लासेस में तलबा और तालिबात के दरमियान पर्दे लग गए, अलहदा क्लासेस भी शुरू की जाएंगी। तालिबान के तालिबात को पर्दा करने की हिदायत। अफगानिस्तान में 90% सेहत के मराकज बंद होने का खतरा। फंड्स देने वाले इदारे नई हुकूमत के साथ चलने को तैयार नहीं। हेल्थ सेंटर्स बंद हुए तो सेहत का निजाम तबाह हो जाएगा। 500 मराकज को फंड्स की फराहमी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं डायरेक्टर आलमी इदारे सेहत। बरतानवी दारुल अवाम में अफगानिस्तान से इनखला पर बहस, वापसी को बुरे तरीके से हैंडल किया गया। अपोजिशन अराकीन का वजीर खारजा डोमिनिक रॉफ से इस्तीफे का मुतालबा। तालिबान को उनके इकदाम से जांचेंगे, अल्फाज से नहीं, बोरिस जॉनसन। बेनजीर और जरदारी को चोर कहने वाले खुद सर्टिफाइड चोर। मौजूदा हुक्मरान भी आटा, चीनी और रोजगार चोर निकले। ताकत का सरचश्मा आवाम, तन्हा कुछ नहीं कर सकता। पंजाब और पाकिस्तान की किस्मत बदलने के लिए मेरा साथ दें, बिलावल भुट्टो जरदारी। कामरान अली अफजल चीफ सेक्रेटरी पंजाब, राव सरदार आईजी के लिए फाइनल। वजीर आजम ने तैनाती की मंजूरी दे दी। इमरान खान और उस्मान बुज़दार की मुलाकात में फैसला। काबीना से मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, गुलशन हदीद, कुरंगी, मलीर, सदर, क्लिफ्टन, एमए जिना रोड पर बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की 11 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। दुनिया भर में कोरोना से 45,88,000 से ज्यादा हलाकते। रूस में 24 घंटे के दौरान 790 अमवात, इंडोनेशिया 612, मेक्सिको 330, भारत 290 और ब्राजील में 238 अफराद जान से गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भौंचाल, मिसबा उल हक और वकार यूनिस कोचिंग से 10 पर्दार। सकलन मुश्ताक और अब्दुल रजाक न्यूजीलैंड सीरीज में आरजी तौर पर जिम्मेदारी निभाएंगे। आलमी कप के लिए टीम मैनेजमेंट का ऐलान मुनासिब वक्त पर होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी।